और कौन लगाऊंगा, पहले वाला सेल आउट कर दिया शायद उन्होंने। रीजन भी डोंट नो, मतलब माइट बी ये कि वो थोड़ा बड़ा है और अब कोई भी नहीं रहने वाला, इसकी मम्मी वर्किंग है तो करो सही, करो करो करो, सीखो सीखो। गुड मॉर्निंग, मैं बबीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। होप करती हूँ आप सब सही होंगे और हम तो दोनों ठीक हैं ही। कोई दूसरी एक्सरसाइज बता दो, ये नहीं हो रही मेरे से। करनी पड़ेगी, सब करनी पड़ती है। बड़े बूढ़े कह गए हैं, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन जेब में माया। अब जेब में माया किसी काम की नहीं है अगर आपकी काया निरोगी ना हो। तो अपने शरीर को 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ भी कीजिए। चाहे मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, पार्क में जाइए, डांस कीजिए, 10 मिनट एटलीस्ट अपने आप को देना शुरू करिए। आगे ना हम जब बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे ना तो हम अच्छे वाला माइक लाएंगे, फिर यहाँ पार्क में जितने लोग जो भी कर रहे हैं ना हम जाके पूछेंगे, जी आप क्यों कर रहे हो ये, इसका क्या फायदा है, आप क्यों कर रहे हो, इसका क्या फायदा है, है ना। आप पूछोगे, पूछ लेंगे। चलो ठीक है। तो गाइज आज है हनुमान जयंती, तो मम्मी ने बोला है हनुमान जयंती है तो थोड़ा सा चूरमा बनाएंगे और खीर बनाएंगे आज, तो खीर चूरमे का भोग लगाएंगे बालाजी को। सो गाइस पार्क से आकर मैंने की अपने चूरमे की तैयारी। चूरमे की तैयारी के लिए मैंने आटे में घी डाल के और फिर रोटी बनाई। और नॉर्मली हम दूसरी तरह से भी चूरमा बनाते हैं, लेकिन आज तो मम्मी ने बोला था कि रोट बना के और तल के और घी में और फिर बनाऊँ, तो मैंने वैसे ही बनाया जैसे मम्मी ने बोला था, जैसा प्रसाद लगता है भोग। तो खीर चूरमा बनाने में मुझे लगा आधा पौना घंटा, तब तक मैंने बोला पापा को नहा लें कि पापा भोग लगा देंगे। देसी घी में ही मैंने पूड़ियाँ तली, साथ में दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दी खीर। फटाफट फटाफट मैंने तैयारी की खीर चूरमे की। और देखो आप शायद माइट भी आपकी रेसिपीज़ अलग हो मेरी रेसिपी से, अगर आपकी रेसिपीज़ अलग हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो भी वो भी बताइए। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप उसके लिए भी मैसेज कीजिए, तो मैं आपको डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी अपनी जो भी मैं बनाती हूं उन्हीं की। अभी तो मैं क्विक रेसिपीज़ डाल देती हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड भी हैं रेसिपीज़ में या नहीं, लेकिन आप बता सकते हैं मैं वैसे ही डालूंगी। तो खीर बनाई थी मैंने थोड़ी, क्योंकि कल पूर्णिमाशी थी तो कल भी रात को मेरा फास्ट था, तो खीर पहले भी बनी थी, तो ऑलरेडी कल खीर खाई थी तो सब लोग आज खीर नहीं खाने वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने भोग के लिए थोड़ी खीर बनाई और फिर सब चीज़ें तैयार करके पापा जी को बुला के और लगवाया भोग। गाइस यहाँ मम्मी लिख रही थी अपने भजन। कितने लिख लिए? नहीं भी लिख लिया। मैं कर दूंगी दिन में करेक्शन, कर दूंगी। हाँ ठीक कर देगी ना फिर मैं। आप सोचोगे मम्मी काहे की पढ़ाई कर रही है, मम्मी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? भजन लिखो और क्या करो? क्या लिखो? भजन लिख रही हूँ। भजन लिख रहे हो? कौन से भजन लिख रहे हो बताओ? कोई भी लिख ले। कितने भजन लिखे आपने? गिने ना आपने। गिने नहीं? अब हमारी मम्मी ना यूट्यूब पे भजन देखती है और फिर आराम से म्यूट कर करके टीवी पे स्लो कर करके और फिर भजन लिखती है सारे के सारे। मम्मी ने कॉपी बना रखी है कई। जा रही हूँ मम्मी, ठीक है, टाटा बाय बाय।
अभी मैं जा रही हूँ भाभी को देखने, उनकी तबीयत इज नॉट वेल। भाभी इन द सेंस मेरी जिठानी, वो थोड़ी बीमार है, उनकी तबीयत नहीं है ठीक, उनकी सर्जरी हुई है। सो मैं अभी जाती हूँ उनसे मिलने और फिर आपको बताती हूँ आगे की बातें। और बस जी, क्या कर रहे हो आप? बताओ बताओ। साड़ी दिखा रही बेटा। साड़ी, ये हमारी मौसी जी की साड़ी जो मौसी लेके आई है। मौसी, साड़ी तो बहुत सुंदर है आपकी, मैं कौन सी ले जाऊं ये बताओ। आपकी पसंद आ रही है। आप कैमरे के सामने कह रहे हो मैं कौन सी ले जाऊं बताओ। और बताओ। नहीं, सुंदर है सारी साड़ी, सुंदर है। चलो जा रहे हैं दोनों वेगास। क्यों? क्योंकि करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, बहुत दिन हो गए, गर्मी हो गई और गर्मियों के कपड़े नहीं आए। हाँ जी, तो आज हम दोनों जा रहे हैं वेगास। विशाल, वेगास क्यों जा रहे हैं हम? थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाएगी समर्स की। समर्स की, वेदर चेंज हुआ है, समर्स के कुछ कलेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि मेरा तो बढ़ गया है वजन और विशाल का भी थोड़ा सा साइज चेंज हो गया है, तो पुराना कलेक्शन खत्म और नया लेके आते हैं। आजकल जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इम्प्रूवमेंट है, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जा रहा है। बस लोग भी दिल्ली को खूबसूरत बनवाएं तो ज्यादा अच्छा हो जाए। वन ऑफ द बेस्टेस्ट मॉल इन द्वारका। इससे पहले हम शॉपिंग के लिए जाते थे वसंत कुंज, जाना पड़ता था हमें प्रोमिनेंट में, या फिर हम जाते थे एम्बियंस गुड़गांव। लेकिन जब से वेगास यहाँ आया है, जब से हमें सोल्यूशन मिल गया है सारी चीज़ों का, ऑल द टाइम, घर से पास में और बहुत ईजी, और सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। जैसे तुम्हारे मन, वैले को दे दो। लोगों का रहने का जीने का तरीका बदला है, जब वो 2 साल घर में रहे हैं ना, उसके बाद उन्हें समझ में आया है कि एक्चुअली लाइफ जीनी चाहिए पूरी पूरी। सो पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड कि हर पल को जी लिया जाए, है ना। अब कोई संडे नहीं होता लोगों का, कोई मंडे नहीं होता। आप किसी भी वीकडेज में आ जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको इतना ही रश मिलेगा। Thank you.
नहीं मेरे को कुछ भी नहीं पिंक वन ब्लैक और ग्रे यहाँ पे हैं ग्रे ब्लैक दिख रहे हैं वो कौन सा कलर है ये ब्लैक नहीं है आई थिंक ये ब्लैक है प्योर स्टॉप गोवा चलें विशाल गो गोवा फ्लावर प्रिंट्स इसकी नेक देख लो ओपन कॉलर यहाँ पे देखो कुछ वैसे शर्ट्स के ले सकते हो फ्रंट्स में हाँ समथिंग डिफरेंट सारे चेक सुंदर है